क्योंकि आपकी पार्टी यूपी में भी एक्टिव है और कर्नाटक में तो एग्जिट पोल्स में सबसे आगे है। मैं दोनों पर आपका एक असेसमेंट चाह रहा हूं, आपका क्या दावा है, यूपी में क्या होगा, कर्नाटक में क्या होगा? पंकज देखिए, कर्नाटक में अगर हम 140 तक पहुंच जाए आसानी से तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सिर्फ एग्जिट पोल्स की बात नहीं है, आप देखिए जो लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में भी त्रिशंकु वगैरह के, उन्होंने भी अपने स्टूडियो में अब प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा हटा दिया है। ये बहुत बड़ा संकेत होता है। कल तक प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे अभियान के चेहरे थे, भारतीय जनता पार्टी का जब जिक्र होता था उनकी तस्वीर लगाई जाती थी, अब कल से नड्डा जी की तस्वीर लगने लगी है। तो ये हर आदमी जान रहा है कि कर्नाटक में क्या होने जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, बजरंग बली की पूंछ में आग लगाई गई थी। बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने का जो अपराध किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसका नतीजा है कि जो बीजेपी की लंका है उसमें निश्चित रूप से आग लगी है और इसका परिणाम पूरा देश इसको एक बेहद सकारात्मक रूप में लेगा और एक नई राजनीतिक शुरुआत कर्नाटक के चुनाव के बाद आपको देखने के मिलेगी। जो दक्षिण में इनका एकमात्र फाटक जहां खुला था, जहां इन्होंने डकैती डाल के चोरी करके बेईमानी से सरकार बनाई थी, वो फाटक अब हमेशा हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। विंध्याचल से के उस पार से ये पूरी तरह से खदेड़ दिए जा रहे हैं। ये कल का रिजल्ट आपको बता देगा। अभी जितना इनको बोलना हो तुर्की बतुर्की करना, उसमें मुझे कुछ उसमें बहस करने से कोई लाभ है नहीं, क्योंकि वहां की जनता ने इनके डबल इंजन सरकार की असलियत देख ली, इनका भ्रष्टाचार देख लिया, इनके विकास को देख लिया, सब कुछ देख लिया। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से दांव पे बजरंग बली को लगाया, ये तो मतलब इससे बड़ा अपमानजनक हिंदू धर्म के लिए कुछ नहीं हो सकता कि इन्होंने भगवान को, जिनको लोग पूजते हैं, जिनके प्रति आस्था रखते हैं, उनको अपने पोलिंग एजेंट के रूप में ये इस्तेमाल करते हैं। ये तो ऐसे लोग हैं कि जो दुनिया जो अच्छा, और पंकज यूपी का क्या है, यूपी में आपके हिसाब से क्या होने वाला है? मैं यूपी के बारे में भी बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति है, जो जनता है, वो बहुत समझदार है। और आप किसी भी शहर में उतर जाइए, किसी भी शहर में उतर जाइए, रेलवे स्टेशन पे उतरिए, बस स्टेशन पे उतरिए, आपको गंदगी का अंबार पूरे शहर में नजर आएगा। ये नगर निगम का चुनाव है। लोग अच्छी तरह जानते हैं कि लंबे समय से, अभी पापनाशिनी गंगा की बात कर रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र, उसी बनारस में गंगा के बारे में मोदी जी ने कहा था कि बुलाया गया है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज स्थिति यह है कि जो वो पानी है वो मतलब नहाना तो छोड़िए छूने लायक नहीं है। नहीं, नहीं, रिजल्ट क्या होगा? भी गंगा जल, मैं बता रहा हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि जिस तरह से नालियां बजबजा रही है, जिस तरह गंदगी है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिस तरह आवारा पशु जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लीजिए क्या हालत उनकी गाड़ियों के साथ क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो एक नगर निगम या नगर पंचायत या नगर पालिकाओं का काम है, उसमें बीजेपी बहुमत में रही है ज्यादातर जगह, हर जगह फेल हुई है और कल उनको बुरी तरह दंड मिलेगा। और मैं दावा कर रहा हूं कि 3/4 सीटें गैर बीजेपी सरकार जो दल है वो जीतेंगे, कांग्रेस बमुश्किल 1/4 सीट जीत पाए। मैं ओवरऑल पिक्चर की बात कर रहा हूँ, नगर निगम। अच्छा, मतलब 2/3 सीटें गैर भाजपा दल जीतेंगे, ये आप कह रहे हैं? 3/4 मेरा बिल्कुल आकलन। अच्छा, 3/4 कह रहे हैं? मैं 3/4 कह रहा हूँ कि गैर बीजेपी दल 3/4 सीटें जो निकाय चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। मतलब 12 से ज्यादा मान लू ना, 3/4 12 से ज्यादा हो गया 17 में से। मैं टोटल की आप 17 फिर आप, मैंने दोबारा मैं कह रहा हूँ, मैं नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका सबको जोड़ के, ठीक है, ओके है ना, और उसमें कांग्रेस का कितना हिस्सा होगा? उस 3/4 कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि विधानसभा में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं था, इसलिए उस पर दावा करना उचित नहीं है। लेकिन एक घटना आपको बता देता हूँ। श्रावस्ती में इकोना नगर पंचायत है, वहां अध्यक्ष थे 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के, वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी। इस तरह के कई घटनाएं आपको पूरे उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। कांग्रेस भी जो उसकी स्थिति है उससे बहुत बेहतर करेगी। ओके, संगीत रागी, ऑल राइट, संगीत रागी, पहले मैं आपसे कर्नाटक पर आपकी राय और आपका विश्लेषण चाह रहा हूं।